सत श्री अकाल जी सारे नू। तरने के हालात बिल्कुल ठीक ने, सारा कुछ चढ़ती कला ज जिन्ने पहला कट्ठ दी उन्नी कट्ठ होना, सगो हुण कट्ठ बढ़िया पहला नालों। तो एक वीर अपना शहीद भी हो गया, तो तरना कादे वास्ते लग्या, क्यों लग्या, इहदे आपां नूं की नुकसान ने, जे ये कानून लागू होए तां की कुछ हो सकता, ये सारे ते अज प्रधान साहब ने बहुत वधिया स्पीच दित्ती आ। उहदे करके मैं तुहानूं बाकी धरने दीआं तस्वीरां नहीं दिखाऊंगा, सारी यही पाऊंगा पूरी दी पूरी स्पीच। वीडियो नूं पहली शेयर कर दिओ, ये वीडियो कल्ला कल्ला बंदे तक जानी चाहीदी आ, जिहड़ा चाहुंदा ये जानकारी लैना चाहुंदा भी हाँ धरना लग्या कादे वास्ते आ, इहदे की नुकसान ने, की फायदे ने, यह सारा कुछ इक्को वीडियो च मिलेगा तुहानूं अज। तां जिन्ना हो सकिआ वीडियो नूं शेयर कर दिओ, जिहड़े बारे बैठे हो चाहे इत्थे वाले हो, तुहानूं इह वीडियो जरूर देखनी चाहीदी आ जे तुहानूं धरने बारे पता लगाउणा, तुहानूं सारी जानकारी मिल जू इत्थों। बहुत ही सत्कार कारकुन संघर्षी योधे उन्होंने संबोधन कर जुझारू किसान दोस्तों, असि बहुत सुखदाई समय के गुजर रहे हैं। साडा एक नौजवान चढ़दी उमरे इस जालम सरकार दी इन्हां नीतियां दा शिकार होया, और उन्हें शहादत दा जाम पीता है। इसलिए असीं सारे बहुत ज्यादा गमगीन माहौल दे विच आ, क्योंकि उन्हां दा इन्नियां नटम्मियां सरकारां हो गईयां कि इंसाफ देण तक उन्होंने शायद ही सोच लिया होना कि असीं अनाउंसमेंट कर दिंदे आ कि असीं इहनूं 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देवांगे, असीं उस बेटी नूं उहदी सिस्टर नूं नौकरी देवांगे, शायद इन्नी गल नाल मसला हल हो जाए। लेकिन सोच यह है कि जिहड़ा शहीद किया गया उहदे प्रति की करदे हो, कार्रवाई की करदे हो, लोड़ कार्रवाई दी है, जिहदे तो साडी सरकार हजे मूंह बंद करी बैठी है। लेकिन यह जरूर है कि सरकार नूं भुलेखा है कि शायद 2 दिन लंघ जाणगे, 4 दिन लंघ जाणगे, 10 दिन लंघ जाणगे, ते शायद मसला ठंडा पै जाए, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि अजिहे मसले कदे ठंडे नहीं पैंदे हुंदे, यह मसला इस तों वड्डा तूफान बन सकदा है। सरकार नूं इत्थे सोचण दी लोड़ है, तुरंत सोचे और उन्हां लोकां दे खिलाफ कार्रवाई करे जिन्हां लोकां ने साडे नौजवान नूं गोली मारी है, उन्हां लोकां दे खिलाफ कार्रवाई करे जिहड़े साडे इस खेमे दे विच आके साडे धरने जगह ते आके साडे नौजवानां नूं चुक के लैके गए ने, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होवे। जिन्हां ने साडे इत्थे खड़े व्हीकलां दी तोड़ भन्न कीती है, इह पंजाब गवर्नमेंट दी जिम्मेवारी बनदी है, सानू प्रोटेक्ट करना पंजाब गवर्नमेंट दी जिम्मेवारी है। आ पुलिस कादे लई लाई है इत्थे, जिस वेले सारा कुछ हो रहा सी उस वेले जे असी साडे नौजवान जां सी किते किसे तरह की माड़ी मोटी एक्शन हुंदा है तां फटाफट मोबाइल कढ के खड़ जांदे ने कि एक एक गल नूं असी रिकॉर्ड करना है, लेकिन उस वेले रिकॉर्ड करने वाले लोग किधर गए सी। सो मेरी बेनती है इन्हां सरकारां दीआं निकम्मियां नीतियां करके साडे नौजवान का हजे अंतम संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए असीं सारे एक पासे साडा नौजवान पिया फैसला लिया कि आपां गमगीन माहौल च आ, साडा पुत है उह अज बाप दा उस बाप दा पुत नहीं रहा, अज समुची किसान जमात दा पुत हो गया उह, साडा बच्चा है,
ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ WTO ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ WTO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ WTO ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ WTO ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੁਗਤ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। WTO ਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, WTO ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਦੋਂ ਪਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ WTO ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਟ, GATT, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਪਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 1994 ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, 1994 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1948 ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 23 ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਰਲਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, 23 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਪਜ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇਗੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30-35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਮੰਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਮਾਲ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਮਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਇਹ ਇਸ ਚਾਲ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ WTO ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਗੈਟ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤੋਂ ਕਹਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8.5% ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 8.5% ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪਲਸ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਨ 2000 ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਫਰੋਲਿਓ ਜੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਨ 2000 ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 15-15, 18-18, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਇਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ 86 ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ 86 ਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 86 ਚ ਆਇਆ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਬਣਿਆ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SP ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ WTO ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੈਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ 95 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਥੱਪਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
तां भारत नूं अपने संविधान का कानून बदलना पेगा, इहदा नियम नहीं बदलिया जाएगा। यह स्पष्ट हो गई गल कि उस वेले दीआं सरकारां ने भारत नूं मुड़ दुबारा उन्हां लोकां दा गुलाम करता जदों साडा संविधान गुलाम हो गया। मेरे मित्रों ईमानदारी दसो, गल समझ आई कौमी दोस्तों? नौजवानों दसो, होया दोबारा गुलाम या नहीं होया? इसे गल की लड़ाई है। हुण अंदाजा ला के देखियो, WTO कहिंदा है अमेरिका ने यह जो अपना समझौता सी इहदे लई उन्होंने टाइम पीरियड दिता सी, ग्रेस पीरियड 10 साल का। यह 10 साल के विच यह मुल्क नूं लागू करनगे। वह लागू होना सी 2004 दे विच, एक साल होर ग्रेस पीरियड बढ़ा दिता गया, यह 2005 च लागू होया। हुण 2005 च लागू हो गया, उस तो अगे साडे लई MSP आ जिहड़े बहुत सारे वीर कह दिंदे ना कि यूनियनां करदियां की है, कदे कदे तां रोण आउंदा यार सोच के भी सारी उम्र ला दी यार तुहाडी खातर, ते तुसीं हजे भी कहिंदे भी यूनियनां करदियां की है। अज तक ए 2005 च तुहाडी MSP खत्म हो जाणी सी लोको, अज तक जे जिउंदी है तां यूनियनां दी बदौलत जिउंदी है। यूनियनां ने पिछे पैर नहीं पट्टन दित्ता सरकार नूं, अड़े खड़े है। आ जेड़ा पीस क्लोज की गल करके गए ने मेरे तो पहला पांधी साहब, पीस क्लोज का मतलब यह है वह ज्यौदा रख्या होया, जे माड़ा मोटा तुहाड़ियां जथेबंदियां ते तुहाडे दबाव ने रख्या होया, ये तुहाडे प्रेशर करके है। नहीं तो जिद्दे पीस क्लोज चक्या गया, पीस क्लोज के नाल ही तुहाडी फसल खरीदी जा रही है, नहीं तो नहीं खरीदी जानी। WTO कहिंदा है 10% तो वध तुसीं आपदे लोकां दी फसल दी प्रक्योरमेंट नहीं कर सकते, ये क्या है? लेकिन असीं की मंग रहे हैं, असीं मंग रहे हैं कि दाणा दाणे दी प्रक्योरमेंट होवे। टक्कर फिर किहदे नाल होगी, अंदाजा लाओ, कहां सोचोगा बराबर टक्कर किहदे नाल है? उस ताकत नाल टक्कर है ना, इह ताकत दे नाल जे लड़ना है तां बड़ी अकल नाल लड़ना पएगा, दिमाग नाल लड़ना पएगा, जितना पएगा। यह लड़ाई जितनी पएगी, अगर तुसी यह लड़ाई ना जित सके, मैं दावे नाल गल करदा मेरे दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जदों किसान किसान नहीं रहेगा, किसान मजदूर बनेगा। पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक के हवाले तो खबर निकली है, इतने पता नहीं नैट की प्रॉब्लम होने करके कुछ सामने नहीं आ रहा, उहदे च की कहा है? उहदे च कहा वर्ल्ड बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें भारत में किसान नहीं चाहिए। हिंदी चाहे मैं तां हिंदी च बोल के दस्सदे, इन्नी तो समझ लोगे सारे आप, हमें भारत में किसान नहीं चाहिए, हमें यहां मजदूर चाहिए, यहां का छोटा किसान, छोटा तुसी जिहड़े बैठे हो, यहां का छोटा किसान कभी खाद पे, कभी बीज पे, कभी पानी पे, कभी बिजली पर सब्सिडी मांगता रहता है। इसके लिए इससे हाथ से जमीन फट पकड़कर बड़े बड़े समूहों को बनाकर कारपोरेट के हाथ में एग्रीकल्चर देने की जरूरत है मेरे दोस्तों। ये स्पष्ट की गई है नीति, लड़ाई ये और सोचो जिते साडी कमेटी कहती है, जिहड़ी कमेटी का चेयरमैन इंद्र कुमार गुजराल है, वह कमेटी कह रही है कि सानू इहदा मैंबर नहीं बनना चाहिदा। उस कमेटी की रिपोर्ट की परवाह ना कीत्या, उहदे मैंबर बने गए, बनाए गए ने, बनिया साडा भारत। इहदा मतलब उपरलिआं दी बाह मरोड़न की ताकत साडे नालों किते वध सी, समझ लगदी है गल दी? जदों इहदे खिलाफ जिन्ना चिर लड़दे नहीं, जिन्ना चिर इहदे खिलाफ असीं जहनी तौर ते सोच बना के नहीं लड़दे, जिन्ना चिर दिमाग नाल लड़ाई नहीं लड़दे, उन्नी देर तक मेरे दोस्तों कुछ नहीं बनना। जदों तुसीं टक्कर लओगे ना, आ जिहड़े गोला बरूद है ना, इह क्यों आ रहा भला?
ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਐਤਕੀ ਮੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ WTO ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮ ਸਾਰਾ ਇਸ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ WTO ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾਓ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਓ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲਾਨੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਫਲਾਨੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ 23 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਫਲਾਨੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 8.5% ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 8.5% ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਛ ਲੰਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 0.8% ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ 8.5% ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 0.8% ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਤਰੋ 20 ਗੁਣਾ 0.8 ਕਰੀਏ 16% ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8.5% ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 24% ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 0.8% ਹੋਰ ਜੁੜਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 0.8% ਹੋਰ ਜੁੜਦਾ ਜਾਣਾ ਉਧਰਲਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਹ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਹੈ ਗੇਮ ਆ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ WTO ਤੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸ ਕਲੌਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ WTO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ
बोलो। तो मेरी जी अगली गल सी दोस्तों, इधरों गल आई कि WTO से होर जिनी गल रखी जा सकती है वो रखनी चाहिए है। मेरे सजनों अगला रूप देखो WTO का। वर्ल्ड बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट करद जल्द मैं थोन पहला दसिया कई लास्ट के उ एक लैंड लिखी है, इसका असर भी भारत के अंदर देश के अंदर नजर आ रहा है, असर नजर आ रहा है। साडे किसानों नूं नहीं पता लग्या, किसे नूं नहीं पता लग्या कि की हो रहा है, असर नजर की आया। पहला असर यह नजर आया कि साडी भारत सरकार ने सन 2000 जो एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आंदी उहदे ते लै आंदा कि इत्थे असीं वड्डे वड्डे फार्म बनावांगे। दूसरा असर नोट करियो, फिर तुहाडे फार्म बनाउण दा तरीका की वरत्या गया, उह इह वरत्या गया कि जेकर इन्हां तों जमीन आ, किसानां कोल जमीन आ, जमीन दे नाल मोह आ, इक वक्खरा प्यार आ इन्हां दा, धक्के नाल जमीन नहीं खोई जा सकती। अगर जमीन दे उत्ते भरा का भी एक हाल का कोरा लंघ जाए तो भरा का सिर पाट दिंदा, जमीन नहीं छड़ूगा। जमीन छड़ाउणी है तो कोई फार्मूला वरतना पएगा। इको फार्मूला नजर आया कि जो एक करजाई हो जाता फिर जिहड़ी जमीन की वट पैण पिछे भरा का कतल किया सी ओह जमीन छड़ के किसे नूं देण लई तैयार हो जाता है करजे चाके। वह करजा इहदे सिर चढ़ाउणा है, वह करजा जे इहदे सिर चढ़ाउणा है तो फिर इहनूं फसल का रेट हमेशा लागत नालों घट देना जरूरी है। और रेत घट दे के तुहाडी लुट करके तुहाडी आर्थिकता नूं डाउन करके तुहाडी जमीन लैण दी पॉलिसी है। सो इहदे चों खेड़ खेडी जा रही है। आ जिहड़ी असीं MSP दी गल करदे हां, अगर MSP नूं भी समझ गए, MSP चीज की है, इहदे शब्दी अर्थां नूं समझो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, घट तो घट सपोर्ट देने वास्ते। सपोर्ट कदों दी जाती है कि डिगना पवे, और सपोर्ट की जिनी प्राइस जरूर मिल जाए इन, यह है मिनीम सपोर्ट प्राइस। भी मर ना जाए कि ज्यौदा रहे, ये को अनाज पैदा करवाना है ये ज्यौदा रहे, मर ना जाए कि हम जी सू दी जा रही है वह भी साड़ी लागत नालों कई गुणे घट दी जा रही है। साड़ी लागत नालों घट है तो जो लागत नालों घट मिलेगी फिर सुभाविक है मित्रों किसान की आर्थिकता से डाउन होगी, कर्जा तो सिर चढ़ेगा। और एक पॉलिसी लेके जो पता सी कि जो इन असी फसल का रेट लागत नालों लगातार घट दिता इन कर्जा चकना पेगा, तो जो मैंने कर्जा चकना है फिर यदा फार्म बना है जरा जमीन का उहदे लई की कीता गया कि तुहाडियां पिंडां नूं बैंकां दे नाल लाया गया, बैंकां नाल जोड़िया गया। याद होगा बहुत सारिआं दे कि फलाने पिंड नूं फलाने बैंक नाल लाता, फलाना पिंड नूं फलाना बैंक लग्या, लग्या कि नहीं लग्या बोलियो, लग्या ना। और सवाल इत्थे भी खड़ा हुंदा है कि यार असीं तां मंग ही नहीं कीती, किसे पिंड ने मता नहीं पाया, कदे असीं मंग नहीं कीती, यह क्यों आ गया? इस करके आया सी दोस्तों कि तुसीं कर्जा चकना तुहाडी मजबूरी है, तुहानूं फसल का रेट घट देना है, कर्जा चकना पैना। जो कर्जा चकना है यह सारे पिंड की जमीन इको पिंड दे विच इको बैंक दे विच आर्डरन हो गई, तो जो तुहाडी जमीन सारी इको बैंक दे विच आर्डरन हुई। और किसान से कर्जा तुहाडा अगर कोई मित्र बैंक का अधिकारी है, अगर कोई सज्जन है, कोई रिश्तेदार रिटायरमेंट होया है, उन्हें आराम नाल बिठा के पुछो कि ईमानदारी नाल गुरु जी कसम खा के कह कि गल सच है कि झूठ है, कि इन्हां दे अधिकारी इन्हां नूं कोटा लगता रहा सरकार वालों बैंकां नूं कि इन्ने रुपये हर हालत दे विच किसानां नूं कर्जे दे रूप दे रहे आ, ये देने आ ताकि कर्जा मोड़ ना सकन। इतिहास गवाह तुहाडे तों बहुत सारिआं नाल गल वापरी होगी भरावो, की होया सी अपनियां लिमटां अड़ गईआं सी सन 2000 तो मगरों मगरों की कहानी समझो, तुहाडियां लिमटां फस गईआं सी। हुण मैनूं ऐ दस्सो तुहाडे घरां च तुहाडे पिंड दीआं सत्थां च उस वेले बैंक दे अधिकारी आए, आके कहा कि सरदारा कोई गल नहीं, जे लिमट नहीं करी कोई थोड़ी बहुती जमीन पई है
लिया तेरी लिमिट बटी कर देने हैं, डबल डबल लिमिटा करके गए कि नहीं करके गए ईमानदारी दसो चौबीस सजनों कितिया जो लिमिटा डबल हुई हम सोचने वाला फिर विषय है कि जो किसान तो 5 लाख नहीं मुड़िया वह 10 लाख किवें मुड़ेगा। फिक्र नहीं सी बैंकों नू पैसे मुड़वाउण दा, बैंकों नू फिक्र नहीं सी आपके पैसे वापस करवाउण दा। तो मेरे मित्रों स्पष्ट है कि बैंकों नू आदेश है कि इन्हां दीआं जमीनां आर्डरन करवा के और इन्हां नू हौली 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 वड्डा फार्म तैयार करके सानू दिओ, उन्हां दा पैसा अडानिया वर्गियां ने मोड़ना है। तुहाडे जिहड़ा तुहाडा पैसा तुहाडे सिर है, अडानी आके बैंक दे विच्चों अज मन लो मोटी जी गल है, बहुतों की तो हालात अजे बनी पई है कि जे बैंक अच कह देवे कि सजनों मेरा कर्जा मोड़ो, साडा बैंक डुबदा है, सारा पिंड साडा कर्जा मोड़ो, साथों नहीं होर लंबा समा तुहाडे नाल निभिया जांदा, किन्ने किसान है जिहड़ा आपका कर्जा मोड़ दोगे। तो भी दोस्तों आड़तिया जदों पता लग गया कि इन्हां नूं दोबारा बैंक ने कर्जा नहीं चुकाना कि आरतिया तुहाडी लिमिट तारन लई मन हिम्मत करूगा बोलियो नहीं करदा, तुसीं फसाले कि नहीं फसाले कि रहिंदे होर 2 सालां नूं फस जाओगे। फस के अज जेकर बैंक ये कहे कि भाई साडे पैसे मोड़ो, जे नहीं मोड़दे तां फिर साडी मजबूरी है, साडा बैंक डुब रहा है, सानू आपदा बैंक बचाउण वास्ते कर्जा चकना पैना है और वह सानू फिर किसी कंपनी तो कर्जा लेना पेगा। तुहाडी जमीन के दस्तावेज साडे कोल पए ने, तुसी जाके उत्थों आपदी जमीन फ्री करा लिओ उन्हां नूं पैसा मोड़ के, असी अगों कर्जा चकन लगे हाँ, चक सकते हैं कि नहीं चक सकते। तो भी दोस्तों सानू चक सकते हैं, बन गया फार्म कि नहीं बनिया, ताही कहा वर्ल्ड बैंक ने भी ताही कहा कि इसका असर भी भारत के अंदर देश के अंदर नजर आ रहा है। सो लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भारत डबल जूटीओ चो बाहर आवे, तेरिया नीतियां साडे पसंद नहीं, साडे देश के किसानों लिए ठीक नहीं है। सो इस करके जेड़ी गल असी एक गल करते हैं कि भाई MSP की गरंटी का कानून तो हटा प्रेशर, एक कहावत है कि जिहड़ी बांदरी एक ऐसी किस्म का जानवर है इहदा बच्चा मर जाए ना तो मेरा ख्याल है छड़दी नहीं, ठीक है मेरी गल, ये आम कहावत है, पर यह भी गल आम कहावत है कि जदों किते कसूती फस जाए वाहे वे खेतां बाजे पैर मचन ओही बच्चे नूं थले रख के उत्ते बह जांदी है, ये भी हैगी है सच गल के नहीं है बोलियो, ठीक है। सो इस करके तुहाडा प्रेशर तुहाडा दबाव पूरे संसार दे विच पवे, पूरे भारत दे विच बने, सरकारां दे उत्ते दबाव बना के सरकार नूं मजबूर करिए कि WTO चो बाहर आउण, घट्टो घट साडा एग्रीकल्चर सैक्टर बाहर आवे, जिन्नी देर तक एग्रीकल्चर सैक्टर बाहर नहीं आउंदा तुहाडियां सबसिडियां भी खत्म होणगियां, तुहाडी MSP भी खत्म होएगी, जिन्नी कि मिलदी है भी खत्म होएगी। सो इहदे लई बड़े तरीके वरते जा रहे ने, एक बारी अपना दिल्ली जदों अंदोलन चलदा मैं इस इशू विषय दे उत्ते बोल गया, पता नहीं किन्ने नौजवानों ने कहा होना मैनूं थल्ले वी लो जी हुण मोदी नाल पता नहीं की सांझ बन गई, ये तो हम अमरीका वाल नूं मूंह चक लिया इन्होंने, मैं किसी का गुस्सा नहीं किया उस वे ना, मैं हम करता तो मैनू पता है कि मेरा जरा परिवार है, यह परिवार नूं बेचारे नूं पता ही नहीं गा कि बीमारी है कितने, जड़ है कितने, तो जिन्हों जड़ का नहीं पता वह कुछ मर्जी कह सकता, उन्हें सब कुछ माफ है, जो मर्जी कहे कह लैन दो कोई गल नहीं, साढ़े ही नहीं ना की हो गया, जो मेरे ने मैनू जो मेरा पुत सगा मैं कह ले तो मैं दर्द नहीं आता, तो जो मैंने दूजे बच्चे ने किसी ने कहना तो मैं दर्द महसूस करा, तो मैं दर्द नहीं आता उस गल का, जो कहा असि सहन किया है, पर हकीकत सच्चाई भरावो नौजवानों आ है। हम वो चक्कर होर नोट करने वाली है जी, मैं थोनू तुम उन्होंने नोट नहीं किया भला, वो कहते WTO का
यानी कैद का जिहड़ा समझौता होया ओदा कोई भी निजम अगर हिंदुस्तान दे संविधान दे किसे कानून दे खिलाफ जांदा है हिंदुस्तान दे संविधान दे खिलाफ जांदा है तो तुहानू अदा संविधान का कानून बदलना पड़ेगा। ठीक है, हुण आपां की मंगदे हां नोट करियो, आपां मंगदे हां MSP की गरंटी का कानून दिओ। वो कहंदे ने WTO च केस पाई बैठे, वो कहंदे MSP की गरंटी का कानून मंगदे हो, वो कहंदे MSP ही देनी बंद करो। दोनों टकरा गए कि नहीं टकरा गए बोलियो, लागी समझ टकरा गई दोनों गल्लां। हुण एक गल होर नोट करियो, इत्थे मेरे तो पहला बुलारा बोल रहा सी डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट से, डॉक्टर स्वामीनाथन ने की कहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन आपकी रिपोर्ट च कहिंदा है कि किसी भी कीमत के उत्ते वाही योग जमीन कारपोरेट लोगों के कब्जे च नहीं जानी चाहिए। एक है तुहाडे पक्ष च, मैं बहुत बारी गल करता हूं, बोलता हूं, और जो इन्ने भोले बन के नहीं हो सरना हूं, वह समा लंघ गया। अज सानू इन नीतियों के खिलाफ जागृत होना पेगा, टक्कर देनी पेगी, एक एक घर घर से गल पहुंचा के सानू एक बहुत बड़ी नॉलेज ते जानकारी नू हासिल करदे होया फिर गल अगे तोरनी पेगी, फिर जितांगे। आ जिहड़ी मैं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की गल की है, डॉक्टर स्वामीनाथन कहिंदा एक इंच भी धरती वाही योग है जिहड़ी उह कारपोरेट कोले नहीं जानी चाहीदी। लेकिन गैड की कह रहा है कि इत्थे 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार एकर दे फार्म बनने हैं, दोनों फिर क्रॉस बच गए कि नहीं बच गए। की इन्हों हालात साड़ी लड़ाई कितने जा रही अंदाजा ला के देखो। लेकिन यह जरूर है कि तुहाडी ताकत ने जिवे पांधी साहब गल कह के गए ने, रूप जिहड़ा मर्जी बनाउण, तुहाडी फसल दे उत्ते एक तां गल कह गए ना कि भाई असीं 5 फसलों का खरीद लैंदे आ, पर असीं उहदे ते सैटिस्फाई नहीं है, असीं उहदे ते सैटिस्फाई नहीं है। तुहाडी ताकत, तुहाडा जोर, मैं एंड दे उत्ते सारे वीरां नूं बेनती करदा है कि उन्हां उस WTO दीआं नीतियां दा पता लग गया, घर गए कि नहीं घर गए, आपां तो भी सजणो ते इहदे चों बचण दा तरीका इक्को ही है कि भारत सरकार देखो कितना सौखा है, एडा औखा नहीं अर जो बाहर निकलना, यह भी बड़ा सौखा, व्यवस्था बड़ी वधिया है। वो कहंदे भारत सरकार ने जिते लिख के देता कि सानू इस बाहर कढ़ो, अगर भारत नू बाहर 6 महीनों के अंदर अंदरों बाहर कढ़ दिंदे है तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन एप्लीकेशन अपलाई हुई उस दिन तो 6 महीनों के जिते पूरे हो गए, तुसीं अपने आप उहदे तों बड़ी हो, अपने आप उहदे तों भारत हो, उहदे तुहाडे ते लागू नहीं। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने बहुत गंभीर गल्लां ने मित्रों, सानू वक्त लंघ गया। बहुत पुराने बंदे साडे कहिंदे सी कि भी सानू इन्हां सैपियां दा नहीं पता, पर हुण WTO का चेहरा मोहरा पता लग गया ना, समझ आ गई। एक निक्की जी गल मैं थोनू थोड़े को जमीन खोन लिए एक होर दसदा, छोटी जी गल वो की किया इन्होंने, इतने मुंडे वकील बैठे ने साडे विच, कित्थे ने वो वकील जिहड़े जिहड़े इत्थे आए ने, कोई यार मैं माड़ा हाथ खड़ा करके मैं तो दस दौ। हाँ वो आ जाओ नेड़े आ, हरशदीप नोट करो गल, दसणगे कि यह गल है कि नहीं है। की किया इन्होंने करतूत, घट कोई नहीं गा साडे लई, घट कोई नहीं गा, सब तुहाडे दुश्मन जम्मे ने, ते मैं वड्डे दुश्मन आपां नूं अपने आप नूं मानदा कि असीं उहदे खिलाफ कदे जागृत नहीं होए। असीं की करदे आ जदों चोणां आईआं ते तेरे दी झंडे चकदे आ मगर भजदे आ, असीं कदे इन्हां गल्लां दा ध्यान नहीं करदे कि इन्हां नूं आया नूं सवाल करके पुछण लग जाईए। ईमानदारी नाल सौ खा के अगर असीं फैसला कर लईए कि जिहड़ा भी लीडर मेरे पिंड च आया, मैं सवाल करके आ गल्लां पुछणियां,
मैं दावे गल करता लीडर थोड़े तो पिंड बढ़ने तो पहले हजार बारी सोचूगा कि मैं कोई गलत फैसला ना कर बैठा ना बारे सोचना पड़ेगा। एक तुहाड़ी ताकत ने सोचने लिए मजबूर करना इन्हों की कीती करतूत इन्होंने पिछे साडा संविधान 1950 मिलिया कौन और जो संविधान लिखा जा रहा सी लगभग 300 बंदे की कमेटी है जिहड़ी लिख रही है एवं कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है डॉक्टर अंबेडकर तो उस कमेटी का चेयरमैन 300 बंदे ने रल के लिखा है। जो 300 आदमियों ने रल के लिख लिया हो हजे अज ही लिख के हटे होने में छेती छेती कोई अमेंडमेंट सोध करने की लोड़ पेगी बोलियो कौमी सजनो पैगी वाल नौजवानों दस्यो नहीं पैगी ना तो लोड़ साड्या ने की कीती है करतूत साड्या ने जून 1951 संविधान के अंदर एक सोध की है और उस सोध जी जो स्यापा खड़ा किया कि साडे संविधान नूं एक 9th शड्यूल नौवां शड्यूल होर दिता यह कहा कि जेड़े भी कानून इस नौवे शड्यूल दे विच दर्ज होणगे उन्हां दे खिलाफ हिंदुस्तान दे लोग भारत दे लोग कोर्ट नहीं जा सकणगे। इत्थे वकील मुंडा हो है गल इह पर नाइन्थ शेड्यूल के अंडर जो भी कोई पार्लियामेंट दे विच कोई भी एक्ट पास किया जाएगा उन्हें किसी भी इंडिया की किसी भी कोर्ट च सुप्रीम कोर्ट तो लैके लोअर कोर्ट जो अपना चाहे हाई कोर्ट है चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट लैवल की कोई भी कोर्ट है सारिया कोर्टा दे विच कितने भी चैलेंज नहीं किया जा सकता उही अल्टीमेट कानून होगा उही अल्टीमेट जिहड़ा कानून सरकार ने पास कर दिता पार्लियामेंट च उन्हें चैलेंज किसी भी हालत विच नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई सजनों समझ आ गया ये मैं तो नहीं बोल रहा मैं तो वकील बुलाया ना थोड़े विचों सद के भी आ भाई तू दस तू गल है हुण ये हो रहा है इहनू समझदारी नगर इन्हां कहानी नूं लड़ना है ना साडा राजनीति करना कोई विशा नहीं है ना असीं राजनीति करदे आ ना करनी आ उमर लंघ गई यार हुण तां बुढ़े हो गया हुण तां मैनूं पता लगदा पता नहीं साल है कि 6 महीने आ कदे राजनीति एक गल सोच के चले आ मित्रों कि जिन्ना कि लड़ाई लड़ती लड़ी जाती है तकड़े होके ईमानदारी लड़ो आ जिहड़ी जमात ने तेरे ते विश्वास किया है इस जमात दे नाल धोखा ना हो जाए जिनी जोगरा हैगा जोर ला दे सारा उहदे ते ला रहे हैं मित्रों। तुहानूं एक निक्की जी गल मैं होर ध्यान दवा दिया हुण इन्ना कि तां पता लग गया ना इहदे विच की है असेंशियल कमोडिटी एक्ट लिया के तुहाडियां फसलां उहदे च पा के ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਬੰਨ ਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਦਰੂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚੋ ਕੱਪੜਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧੰਬਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਓ ਅੱਜ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਦੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣੋ ਬੋਲਿਓ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ
हम उसका संस्कार होना सी। तो यह जे कोई पता नहीं रब के घर का हिसाब कदों मुक जाने हैं। पर दोस्तों एक गल जरूर है, जिन्ना चिर लड़ांगे इमानदारी नाल लड़ांगे, आ दर्द लैके लड़ रहे हैं। अगर तुसी मैं खुद जिनी पढ़ाई की खाकी कसमां नूं मेरी तो उम्र लंघ गई, मैं तुहाडे विच ओह बंदा खड़ा। मेरा ख्याल है बीके यू एकता सिद्धूपुर का एक एक वर्कर इस गल नूं चंगी तरह जानता है, एक एक नूं पता है कि जिस दिन मेरे घरों चढ़ाई की है मैं उस दिन बाहर सी, घरे नहीं सी, आए हैं संस्कार किया तुरंत अखंड पाठ साहब प्रकाश करा के भोग पा के निपटारे करके सारे। एक तरीक नूं भोग पैंदा है ते दो तरीक नूं मैं हरियाणे दे विच सीगा, ठीक है। मेरे को तो बहुत लोग हजे आ रहे सी ना, पता नहीं किन्नी संगत ने हजे होर आना सी, अफसोस करना, लेकिन मैं उस गल नूं प्रायोरिटी नहीं दित्ती। मैं इस गल नूं तुहाडे इस अंदोलन नूं प्रायोरिटी देके सच नूं तुहाडे विच करदा। जिन्नी जोग रहे आ लड़ रहे आ, लेकिन यह विश्वास है कि जेकर आपां इह वेख के सोच लईए कि लड़ाई उचाई वड्डी है, चढ़िया नहीं जाना, फिर तक कदे भी नहीं होना। इस सफर नूं तय करन वास्ते, इस मंजिल नूं तय करन वास्ते तुरे आ, पहुंचांगे जरूर, किसे दिन पहुंचगे, जिथे वाहिगुरू की रहमत होगी उथे पहुंचांगे। सो इस लई ओ गुरु नानक पातशाह तुहाडे ते मेहरबान आ, जो मैं समझदा आ साडा बच्चा साडे तो गया है, यूके दी पार्लियामेंट दे विच साडे बच्चे दे प्रति चर्चा हुई है, उत्थे कहा गया है कि इन्हां नूं रोको, इहदा मतलब साडे नौजवान दी कुर्बानी नूं बूर पै रहा है, उहदा डुल्लिया इक खून दा कतरा तुहाडे लई किड्डा वड्डा काज कर रहा है। ओ साडी कौम दा किसान जमात दा शहीद है, असीं उहनूं शहीद मन चुके हां, लड़ाई लड़न वास्ते। एक गल सिख लिओ तुसीं जिहड़ी मैं लास्ट ते तुहानूं गल कहणी आ कि सरकारां आपां 13 महीने दिल्ली लड़िया, बहुत कुछ करदियां रहियां ना, एक गल रोज आउंदी सी ना कि हुंदा सी, अज जी असीं ओह फलाने ने कहता असीं धरना चुका के जगह खाली करावांगे, हुंदियां रहियां ना गल्लां, नहीं होया। ये भी कहिंदे रहे उदों भी ट्रालियां च जा के, तुहानू सब नू ये बेनतियां करदे रहे हैं कि प्लीज तुहानू कोई प्रवोक कर सकदा है, तुहानू कोई भड़का सकदा, तुहानू कोई गुस्सा चढ़ा सकदा, तुहाडा खून नवा है, नवा खून गुस्से कर सकदा, लेकिन गुस्से च ना आयो। इस अंदोलन नू ओ दंगा बनाउण नू फिरदे सी, तुसी नहीं मन दिता सारिया ने। आ हरियाणा अज भी यह गल कहिंदा कि असीं पंजाब तो सिखिया है कि लड़ाई किवें लड़ी दी है, और ओ तुहाडे अज भी हुनर तुहाडे कोल है, लड़ाई लड़ के आपां एक्सपीरियंस साडे कोल है, आपां जित के आए हां। एक गल दा ध्यान कर लो, उदों तां सतनूं 2 साल पहलां असीं थोड़े जिहे ठीक सीगे, थोड़े तो बहुत सारे मुंडिया ने देखिया होएगा, नौजवानों ने देखिया होएगा, असीं रात नूं 1-1 बजे 1:30 बजे तुहाडे विच पूरे बत्ती, लेकिन हुण ना तां सिरसा साहब दा इन्ना शरीर कम करदा बेचारा, ते ना ही मेरा इन्ना कम करदा है। हुण इह मेरी वाली ड्यूटी तुसीं नूं, मैं तुहाडी मेहनत करदा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਆਓ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਬਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ
अगर लड़ांगे जीतांगे जित तुहाडी झोली च पवा के लिजावांगे बाबा नानक मेहर करे ओह मेरे सतगुरु के हाथ च सारा कुछ सो मैं जिनी जोगरा नहीं सी जिन्ना मैं अज बोल गया पर मैनू यह सीगा कि मैं तुहाडे नाल जिनी मेरी समझ है WTO के संबंध च वह तुहाडे नाल सांझी करा और ये चो नीतियां जड़िया ने सरकार दियां नीतियां ने वो भी तुहाडे नाल सांझिया करन दी बहुत लोड़ लगी है। लास्ट ते मैं स्पष्ट कर दिया दो फोरम लड़ रहे ने दोनों फोरमां दा कोई मनशा इहदे चों पार्टी कढ़न दी नहीं ते ना कढ़न देवांगे किसे नूं इह भी क्लीयर है। साडा राजनीति नाल कोई संबंध नहीं किसे नूं हराउणा साडा एजेंडा नहीं किसे नूं जिताउणा साडा कोई एजेंडा नहीं साडा एजेंडा साडे मुद्दे असीं आपदे मुद्दे लैके चले आ साडी किसानी दा दर्द लैके चले आ और उन्हों असीं जित के मुड़ांगे कोई चिंता वाली गल नहीं। जिहो जिहे भी रूप दे विच आ हुण की हो रहा है हरियाणे दे विचों इह सोचदे कह रहे ना हुण आता जी कल्ला पंजाब बैठा है बाकी तो सारा देश शांत बैठा है। मैं कहना फिर फोर्सां हटा उन्हां मिल गई पासे आ हरियाणे वालों ने बारह जिहड़ियां फोर्सां लाइया छड्डो ना इन्हां नूं एक बारी आ परसों लाठीचार्ज किहदे ते कीता कौन सी वो कौन सी जिहदे ते लाठीचार्ज करके हटे हो हरियाणा सी वो हरियाणे के लोग अंदोलन कर रहे ने आ माड़ा जिहा गेट नहीं अगले किसी नूं खोलन दिंदे हर एक घर के मूहरे फोर्स लगी हुई है पिंडा नूं फोर्स घेरी बैठी है इहदा मतलब तुहाडा अंदोलन उत्थे भी हो रहा है उन्हां घरां चों भी तुहाडा अंदोलन हो रहा है। जिन्नी देर तक वह फोर्स उन्हां दे बाहरां च बैठी है उन्नी देर तक हरियाणे का एक एक व्यक्ति तुहाडे अंदोलन का हिस्सा है अंदोलन कर रहा है इस उहदा दबाव तुहाडे अंदोलन का दबाव। मैं फिर बेनती करा कि साडे कर्नाटका तो आ रहे सी साडे उड़ीसा तो आ रहे सी साडे केरला तो आ रहे सी साडे तमिलनाडु तो आ रहे सी उन्हां नूं फिर मध्य प्रदेश दे विचों रोकिया क्यों अगर सारा भारत नहीं था और थोड़े समय दे विच तुहानूं दिसेगा कि सारा भारत इस मोर्चे दे विच बैठा नजर आएगा थोड़े समय दे विच सारा कुछ नजर आएगा। सो मेरी इन्नी बेनती है मैं लास्ट दे उत्ते तुहाडे सारिआं तों मेरी अपील है कि शांति बना के रखने वास्ते मैं सारे हाथ जोड़ के बेनती करना मेरे बड़े सत्कारयोग हो बड़े प्यारे हो विश्वास दवाओ यार कि शांति बना के रखा ले हथ खड़े करके दियो का विश्वास करा बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा मेरा अज दा इन्ना क बाकी सेहत तंदुरुस्त रही करके फिर दोबारा गलबात करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।